नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया, मेरे यानी किरण बैरागी के साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। बड़वानी जिले के जनपद पंचायत ठीकरी में शामिल ग्राम पंचायत रसवाड़े के ग्रामीण आज गांव के मुख्य मार्ग की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर होने वाली जन सुनवाई में पहुंचे, जिसमें हमारे संवाददाता जाम सिंह किराड़े को बातचीत की, जिन्होंने बताया कि गाँव का मुख्य मार्ग बेहद ही खराब स्थिति में है, जिससे गुजरने में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज इसी समस्या को लेकर बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा को एक आवेदन दिया है, जिन्होंने संबंधित विभाग से वास्तविकता जानकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। क्या नाम भैया आपका? मैं भगवान पटेल, ग्राम रसवाडेप। रसवाडेप से आए? हाँ। क्या कारण यहाँ आने का? हम यहाँ 15 से 20 लोग आए हैं। हमारे हाँ। गांव का जो मुख्य मार्ग है वो पिछले 50 सालों से बना हुआ ही नहीं है। रिपेयर होना तो दूर की बात है। हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, जन सुनवाई में भी दे चुके हैं, आखिर और थक हार के हमको और डबल आना पड़ा। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूली बच्चों की भी बहुत समस्या रहती है, उनको भी 1 किलोमीटर कीचड़ में पानी भरे हुए अच्छा रास्ते में। कितने कितने किलोमीटर का है ये रास्ता? मात्र 1 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर का रोड नहीं बना है अभी तक? नहीं बना। उसके बीच कितने स्कूल है वहाँ पर? उसके बीच 2 स्कूल है। दो स्कूल के कितने बच्चे प्रभावित हो रहे रोड के कारण? 100 के लगभग बच्चे प्रभावित। बारिश के दिनों में क्या बच्चे को स्कूल जा पाते टाइम से? ढंग से बारिश के दिनों में जब बारिश चालू रहती तो कोई स्कूल नहीं आ पाता, बारिश बंद होने के बाद ही आ पाते, क्योंकि पूरा कीचड़ से लदा हुआ रहता है रोड। अच्छा, बीच में नाला भी आता है क्या? नाला नहीं आता है, सिर्फ बारिश की वजह से कीचड़ विचड़ होता है तो बच्चा निकल नहीं पाता है और बहुत भारी कीचड़ रहता है। इसके अलावा और क्या समस्या आपको, मतलब सिर्फ रोड की समस्या है ना? अभी तो हम सिर्फ रोड की समस्या लेके आए, बाकी तो और भी गांव में है, लेकिन अभी हम जन सुनवाई में रोड की मुख्य समस्या लेके आए। तो जन सुनवाई में क्या निराकरण का कुछ दिया आश्वासन आपको? जन सुनवाई में निराकरण ये दिया है कि NVDA अधिकारी को कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि आप जाके वहाँ मौका मुआयना करो, मेरे को स्थिति बताओ क्या हो सकता है। अच्छा, कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया आपको, है ना? ठीक है, उचित है।